ये ले लीजिए ना, दोस्तों ये 23 भी बड़ा वाला ले, ये ठीक है। फखरू भाई, अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, क्या सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आप सब लोग होंगे हिरियत से। आज हम आपको कोई तंगलाई जो बफा के गांव पहाड़ है उसके बारे में कुछ अजीबोगरीब बताएंगे हम आपको। कुछ पत्थर हैं, कुछ बातें उसके बारे में मशहूर है, आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो फ्रेंड ये एक पत्थर है जो नीचे गांव से थोड़ा ही ऊपर है, इसको पश्तो में हम मारगढ़ छजलीगढ़ कहते हैं, यानी सांपनुमा पत्थर। ये बिल्कुल सांपनुमा बना हुआ है, ये इसका ये देखें आप, ये मुंह कुदरत का बना हुआ है, कुदरत ने बनाया हुआ है, बिल्कुल नीचे से जैसे सांप का मुंह होता है वैसे ये बना हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, ये सारा पत्थर है, ऊपर से कुदरत ने एक जगह बनाई है उन लोगों के लिए, चुराहों के लिए। सर्दियों में अक्सर चुराहे ऊपर होते हैं, जब बारिश लगती है तो इधर आते हैं, यहाँ पे आग लगाते हैं, फिर इधर ही होते हैं वो। आप देख सकते हैं यहाँ पे आग जलाई हुई किसी ने, यहाँ से एक सुराख, इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ से बाहर का नज़ारा। बाहर से आप पत्थर को देखिए, बहुत बड़ा पत्थर है ये। फखर भाई सिरन, ये सारा दरिया सिरन, सारे गांव यहाँ से नजर आते। फखर भाई उसी पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, टैंक से लता का स्टाइल चेक करें। हवा बहुत तेज, क्या नज़ारा यार। इस साइड से सारा पहाड़ खाली, दरख्त इतने ही है, उस साइड पे दरख्त बहुत है, देख सकते हैं। इस साइड से हम आए हुए हैं और इधर हमने जाने हैं, अभी वो पहाड़ पे जाने हैं अपने इंशाल्लाह। देखें आप सारे दरख्त, हवा चल रही है बहुत तेज, वो नीचे को हमने जाना है अभी, ऊपर से वापस हो गए। ये रास्ता देखें, ये दोनों साइड पे पत्थर है, ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, ये लोगों को चलने की वजह से जो ना पत्थर जो है ना वो रगड़ के नीचे हो गया है, ये मतलब ऐसे पत्थर था दोनों, अभी रगड़ के जो है ना ऐसे हो गए। इंतहाई दुश्वार रास्ते, गुग
ઉકડી જાય તંગા પર જાય તો પણ વાત કરી નાખે माशाल्लाह फ्रेंड, ये देखें आप, एक और पत्थर। इतनी वीडियो में आपको सही नज़र आए या ना आए, ये बिल्कुल किश्ती नुमा बना हुआ है। ये थोड़ा सा मतलब उल्टा पड़ा हुआ है, इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बीच में इसकी जगह जो है ना, ये खाली है। ये बिल्कुल किश्ती नुमा पड़ा हुआ है। यह मशहूर है किश्ती नुमा पत्थर के नाम से, पश्तों में हम इसको किश्ती गट कहते हैं। यहाँ से इसको सही दिखाई दे रहा है, ये देखें, ये बीच में से खाली है बिल्कुल, लेकिन पड़ा हुआ उल्टा है। अगर ये सीधा होता तो बिल्कुल ये किश्ती लगती। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए मोहम्मद इब्राहिम को इजाज़त।